अल्लाह यूज इस इज आवाद एंड वेलकम बैक टू तो अनदर वीडियो तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम ऊप एडवास की तो इसमें हमने देखा था लास्ट वीडियोज़ में कि ऊप के, के बेसिक्स से हमने किस तरह डील करना है फिर हमने नरेटेंस का एक चैप्टर पढ़ा था और बाकी क्लासेज ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्टर पब्लिक एंड प्राइवेट मॉडिफायर्स फंक्शन ओवर राइडिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट को हमने देखा था अब हम क्या करेंगे कि वी हैव डेल्ड विद द बेसिक ऊप इन द प्रीवियस चैप्टर इन दिस चैप्टर वी डील विद सम डीलानस टॉपिक इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊपर हमने क्या काम किया था कि लास्ट वीडियोस में थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट को डील किया था अभी हम क्या काम करेंगे वी विल बिगेन बाय एक्सप्लोरिंग यूज ऑफ पॉइंटर विद ऑब्जेक्ट्स आप uh, कह रहे होगे कि ऊप जब हमने स्टार्ट की तो हमने पॉइंटर्स पढ़े थे लेकिन आगे तो कहीं पॉइंटर्स नजर ही नहीं आ रहे अब आपको पॉइंटर्स नज़र आएंगे C++ प्लस प्लस पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट हम ऑब्जेक्ट्स में पॉइंटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं बिफोर एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंटर एंड ऑब्जेक्ट लेट फर्स्ट रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स अगर आप लोग पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट है अभी तक आगे आते आते भूल गए हो जो कि हमने स्टार्ट में दोबारा रिवाइज किया था तो उसको एक और बार रिवाइज कर लेते हैं हम क्या काम करते हैं एक वेरिएबल है जो नॉर्मल वेरिएबल होता है हम उसको इस तरह क्रिएट करते हैं उसमें हमारे पास वैल्यू स्टोर होती है और जो हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल होता है उसको हम नॉर्मल वेरिएबल की तरह सब कुछ करते हैं लेकिन उसके पीछे एक स्टेरिक का साइन लगाते हैं और हमने ये बात भी देखी थी कि जो पॉइंटर वेरिएबल होते हैं वो नॉर्मल वेरिएबल की तरह वैल्यू की जगह एड्रेस स्टोर करते हैं और अगर हम जबरदस्ती पॉइंटर वैल्यू से जो उसकी वैल्यू है ये जो वैल्यू है प्रिंट करवाना चाहें तो उसको क्या कहते हैं डी रेफरेंसिंग ऑफ पॉइंटर ये कॉन्सेप्ट हमने देखे थे इस तरह हमने क्या काम किया यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल एक इनिशियलाइज किया और फिर उसी पॉइंटर वेरिएबल को हमने असाइन कर दिया नंबर का एड्रेस इसी तरह जब हम वैल्यू हमने जो पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर है ये हम जब प्रिंट करवाएंगे पीटी को तो ये क्या होगा एड्रेस हमारे पास प्रिंट होगा इसी तरह जब हम एड्रेस ऑफ द नंबर प्रिंट करवाना चाहेंगे तब भी हम इम्परसन नंबर लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा दोनों केसेस में सेम एड्रेस प्रिंट होगा बिकॉज पॉइंटर वेरिएबल जब हम प्रिंट करवाते हैं तो पॉइंटर में क्या स्टोर है नंबर का एड्रेस जब हम इसके साथ एम्पर्सन लगाते हैं इसका भी मतलब होता है एड्रेस तो दोनों केसेस में हमारे पास आउटपुट क्या आएगा सेम आएगा Here we have declared a pointer variable pt and assign the address of number variable to it। हमने इसको एक pointer variable declare पहले किया और उसको नंबर का एड्रेस दे दिया इन परसन का साइन लगा दिया तो इसका मतलब है एड्रेस ऑफ नंबर हम इसको इस तरह पढ़ते हैं पॉइंटर वेरिएबल में क्या स्टोर होगा एड्रेस ऑफ नंबर इसी तरह वो कहता है कि सिमिलरली वी कैन आल्सो क्रिएट पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट एज वेल फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव क्लास स्टूडेंट हमारे पास एक क्लास है मेरे भाई स्टूडेंट की और इसमें हम क्या काम करते हैं एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्टूडेंट से हमने स्टूडेंट की क्लास से एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि स्टूडेंट वन का है अब हम स्टूडेंट का जो पॉइंटर है वो किस तरह बनाएंगे हम सबसे पहले क्लास का नाम लिखेंगे उसके बाद हम पॉइंटर वेरिएबल का ये एस्टेरिक साइन लगाएंगे और उसके बाद पॉइंटर वेरिएबल का हम क्या करेंगे नाम लिखेंगे ये हमारा जो पॉइंटर है हम ऑब्जेक्ट के अंदर बना के यूज़ कर सकते हैं अब इस स्टूडेंट पॉइंटर को हमने पॉइंटर का खिताब दे दिया तो बार बार हमें देने की ज़रूरत नहीं है अब कंपाइलर को पता चल गया कि ये जो वेरिएबल का नाम है स्टूडेंट पॉइंटर ये एक पॉइंटर वेरिएबल है नॉर्मल वेरिएबल नहीं है इसमें हम क्या स्टोर करवाते हैं इसमें इंपर्सन का साइन लगाते हैं क्या चीज़ स्टोर हो रही है एड्रेस ऑफ स्टूडेंट वन इज़ स्टोर्ड इन स्टूडेंट पॉइंटर वेरिएबल ये जो एड्रेस ऑफ स्टूडेंट वन है यहाँ पे इसका जो एड्रेस है ये किधर स्टोर होगा इस वेरिएबल में तो वो कहते हैं नाउ इफ़ वी नीड टू एक्सेस द मार्क्स ऑफ द वेरिएबल ऑफ़ द स्टूडेंट वन वी कैन यूज़ एरो ऑपरेटर अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या काम करना चाहते हैं कि अगर हम एक्सेस कराना चाहते हैं मार्क्स को जो कि वेरिएबल में स्टोर है स्टूडेंट वर्न में तो फिर हम क्या इस केस में यूज़ करेंगे पहले हम पीछे स्टार लगाते होते थे लेकिन इस केसेस में हम क्या करेंगे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लिखेंगे स्टूडेंट पॉइंटर उस पॉइंटर का नाम लिखेंगे और फिर हम क्या काम करेंगे माइनस का साइन लगाएंगे और हम यहाँ पे ये जो भी आपके पास साइन होता है लेस देन का ग्रेटर देन का तो ये वाला ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे एरो ऑपरेटर इसको कहते हैं ये हमारे पास एक इसमें माइनस का साइन होता है और एक हमारे पास ये ग्रेटर देन का साइन होता है इसी तरह हमारे पास फिर आगे मार्क्स लिखेंगे जो भी है मार्क्स इज टू फिफ्टी सिक्स आगे ये कोड हमारा किस चीज़ के बराबर है ये इसके बराबर है स्टूडेंट वन डॉट मार्क्स इजिकल टू फिफ्टी सिक्स हम क्या काम करते हैं स्टूडेंट वन का ऑब्जेक्ट है और एक मार्क्स का वेरिएबल है और उसमें हम क्या काम करते हैं ये चीज़ स्टोर कराते हैं अभी ये ऊपर वेरिएबल बने हुए नहीं है फ़िलहाल आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम इसको ये इस तरह दोनों चीज़ें हमारे पास के हैं सेम है आगे हम इसको एग्जाम्पल्स करके समझेंगे इसी तरह हमने क्या काम किया है एक इंक्लूड कर लिया आयो स्ट्रीम को एक क्लास ले लिया स्टूडेंट की जिसमें हमने क्या काम किया है जी उसको हमने पब्लिक रखा है और उसके अंदर एक मार्क्स का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है ये हमारे पास मेंबर डाटा मेंबर है और डाटा मेंबर को हमने डिक्लेयर करने के बाद अपनी क्लास को बंद कर दिया है और मेन फंक्शन के अंदर आए हैं स्टूडेंट क्लास का नाम लिख के और एक उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है अब हमने स्टूडेंट का एक पॉइंटर वेरिएबल जब भी बनाना है तो सबसे पहले हमने क्लास का नाम लिखना है फिर आगे पॉइंटर वेरिएबल के स्टेरिक लगा के उसका नाम लिखना है इसमें हम किसका एड्रेस स्टोर कराने जा रहे हैं स्टूडेंट वन का जो कि इसका ऑब्जेक्ट है इसी तरह हम कहते हैं स्टूडेंट वन डॉट मार्क्स इज़ ईकल टू सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स तो यहाँ पे हमारे पास हमने स्टूडेंट वन और डॉट मार्क्स का मतलब है इस मार्क्स के वेरिएबल में क्या स्टोर करवा दिया है सिक्सटी सिक्स आपको पता है जब भी हम नीचे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो फिर हमें ऑब्जेक्ट के साथ ये चीज़ लिखनी पड़ती है हम डायरेक्टली मार्क्स इज़ एकल टू सिक्सटी सिक्स नहीं लिख सकते हमें उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है क्योंकि हमने ऊपर क्लास बनाई हुई है स्टूडेंट की उसके बाद हम क्या काम करेंगे प्रिंट मार्क्स यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल अब हम क्या काम करेंगे कि नंबरों को अगर हमने पॉइंटर वेरिएबल के ज़रिए इस क्लासेस में या ऊप्स में हमने प्रिंट करवाना है तो हम सिंपली क्या काम करेंगे पहले तो हम क्या काम करते थे पी के पीछे स्टार लगाते थे तो वो प्रिंट हो जाता था लेकिन इस केस में हमें पी के आगे माइनस और ये जो हमारे पास ग्रेटर देन का ऑपरेटर होता है इसको हमने यूज़ करना है और आगे उस वेरिएबल मार्क्स का नाम लिखना है तब वो क्या हो जाएगा प्रिंट आउट हो जाएगा तो तब इसका आउटपुट क्या आएगा 66.6 तो इस केस में हम क्या काम कर रहे हैं एड्रेस नहीं प्रिंट करवा रहे हम वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो इस केस में हमें ये काम करके आगे उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा जिस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहे हैं क्या आएगा अच्छा यहाँ पे हमारे पास ये यज है जिसमें पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट को हमने लेके जाना है और इसमें वो बोलता है कि आउटपुट दो कोड का तो इसमें हमने क्या काम किया एक क्लास ले ली और उसको हमने पब्लिक रख दिया जिसमें हमने कहा कि स्ट्रिंग है हमारे पास एक डाटा मेंबर वेरिएबल जिसका जिसमें हमारे पास उसका नाम है वे वेरिएबल का ब्रांड और उसकी डाटा टाइप के स्ट्रिंग है इसी तरह हमारे पास आगे हमने लैपटॉप ले लिया जो कि मेन क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया इसी तरह हमारे पास लैपटॉप को हमने क्या काम किया क्लास का नाम लेके पॉइंटर वेरिएबल लिया एक और उसमें क्या किया एड्रेस ऑफ लैपटॉप को स्टोर करवा दिया लैपटॉप ब्रांड जो है हमारे पास एच पी है हमने इसमें क्या काम किया एच पी को स्टोर करवा दिया और यहाँ पे लैपटॉप डॉट ब्रांड जो हमारे पास सी आउट हुआ हुआ है ये हमने करवा दिया इसी तरह जब हमने पॉइंटर वेरिएबल लेना होता है तो इसमें हमने क्या काम किया लिनोवा को स्टोर करवाया और सी आउट में पॉइंटर डॉट ब्रांड तो यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल में जब भी हमने कोई एक्सेस करना होता है क्लास का ये देखो क्लास लैपटॉप का चीज़ एक्सेस आपने करनी है तो आपको माइनस और वो लगाना पड़ता है क्या नाम है माइनस और आपके पास क्या होना लगाना पड़ता है ग्रेटर देन का जो भी ऑपरेटर है तो इसलिए इस कोड में हमारे पास एच और एड्रेस नहीं प्रिंट होगा एच और कुछ भी नहीं प्रिंट होगा एरर का मैसेज आएगा बिकॉज द कोड पी टी आर ब्रैंड कॉजेज एन एरर बिकॉज वी मस्ट यूज माइनस और ग्रेटर देन का जो भी ऑपरेटर है विथ पॉइंटर्स टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि जब भी हमने इस क्लास का कोई डाटा मेंबर कोई फंक्शन एक्सेस करवाना हो यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल्स तो हमें यहाँ पे माइनस और वो लगाना पड़ता है ना कि हमें इस तरह करना पड़ता है तो हम एक चैलेंज ले लेते हैं पॉइंट टू ऑब्जेक्ट का जिसमें आपके पास थोड़ी चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी जिसमें वो बोलता है कि क्रिएट अ प्रॉब्लम फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग पॉइंटर ऑब्जेक्ट हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का कैलकुलेट करना है यूजिंग पॉइंटर द फार्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज दिस एंड स्टेप वन में ये यह यहाँ तक देख लो इसका स्क्रीन ले लो फिर मैं इसको नीचे कर देता हूँ तो यहाँ पे हमने क्या काम करना है स्टेप वन में क्रिएट ट्रायंगल uh, की एक क्लास बनानी है और उसके बाद हमने क्या काम करना है जी क्लास uh, के अंदर इंटीजर वेरिएबल बेस के नाम से डिक्लेयर करना है और हाइट के नाम से दोनों की डाटा टाइप इंट है और कैलकुलेट एरिया का एक फंक्शन बनाना है जो कि हमारे पास मम्बर फंक्शन है इसी तरह वो क्या काम करेगा कंप्यूट करेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल और कुछ वैल्यू को रिटर्न करेगा तो इसकी डाटा टाइप हम डबल ले लेंगे कुछ भी ले लेंगे एंड साइड द मेन फंक्शन हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना है ट्राइंगल का जिसका नाम क्या देना है ट्राइंगल वन ये हमारे पास ट्राइंगल मेन क्लास है और ये आगे उसका क्या है ऑब्जेक्ट है इसी तरह हमने एक ट्राइंगल लेना है और उसके साथ पॉइंटर वेरिएबल पी के नाम से उसको असाइन करना है जो कि किसको पॉइंट करेगा एड्रेस ऑफ ट्राएंगल वन को इसी तरह हमने इनपुट वैल्यूज़ लेनी है यूज़र से बेस और हाइट की और ट्राइंगल वन गेट द इनपुट वैल्यू बेस ऑफ हाइट ऑफ ट्रायंगल वन ट्राइंगल वन ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हमने सी इन करवानी है ये दोनों वैल्यू और यूजिंग द पॉइंटर कॉल द कैलकुलेट एरिया फंक्शन यूजिंग द पॉइंटर वेरिएबल तो आखिर में हमने फंक्शन को कॉल करना है आप इनपुट अपने कंपाइलर पे एट और थ्री दोगे तो आउटपुट आपका क्या आना चाहिए बारह तो आपका क्या हो जाएगा आंसर सही आएगा है यहाँ पे उसने हमें स्टेप वन में बोला था कि क्रिएट अ क्लास ने एम एस ट्राइंगल हमने एक क्लास ले ली ट्राइंगल की और उसमें बेस और हाइट का एक इंटीजर नामी दो वेरिएबल डिक्लेर कर दिए आपको बोला था मैंने फंक्शन की डाटा टाइप डबल लेंगे तो यहाँ पर हमने डबल ले ली कैलकुलेट एरिया और इसके बाद इसकी ब्रैकेट्स के अंदर हमने क्या काम किया उसने हमें बोला कि क्रिएट अ कैलकुलेट फंक्शन डेट कम्प्यूट्स द एरिया ऑफ ट्राएंगल एंड रिटर्न एट तो इसने हमें यही बोला है कि जो एरिया है उसको क्या आपने करना है उसने हमें फार्मूला दिया हुआ था एरिया का जो भी फार्मूला है वो क्या है जी सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स डालनी है और उसके अंदर बेस डालनी है आगे एस्टेरिक का साइन डालना है और एच ई आई जी एच टी हाइट लिखना है और बाहर आगे के आपने डिवाइडेड बाय क्या कर देना है जी टू सिंपली हमारा ये फंक्शन क्या चीज़ रिटर्न कर रहा है एरिया क्योंकि इसकी डाटा डबल है कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा ही यहाँ पे हमारी ये क्लास ख़त्म हो जाती है सेमी कॉलम सेंड करते हैं और मेन फंक्शन में हमने क्या काम किया जी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ट्राइंगल का उसने हमें कहा था ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट ट्राइंगल वन के नाम से क्रिएट करो तो हम पहले उसकी क्लास लिखते हैं ट्राइंगल और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं हम टी आर आई एन जी एल ई तो ट्राइंगल उसने हमें बोला था ऑब्जेक्ट आपने ट्राइंगल वन के नाम से देना है तो हम उसको वही नाम दे देते हैं फिलहाल अच्छा यहाँ पे उसने जो स्टेप नंबर टू पे अभी हम आ गए हैं तो आप स्टेप टू पे अपने उस क्वेश्चन पे देखें अगर आपसे ये क्वेश्चन सही से नहीं हुआ तो क्रिएट अ ट्राइंगल पॉइंटर पी टी एंड पॉइंट्स टू ट्राइंगल वन ऑब्जेक्ट तो हमारे पास एक हमने ट्राइंगल का सबसे पहले आपको पता है कि क्लास का नाम इधर लिखना ही लिखना होता है टी आर आई ए एन जी एल ई ट्राइंगल और उसके बाद हमने ट्राइंगल के साथ ही एक पॉइंटर वेरिएबल डाल देते हैं ये पॉइंटर वेरिएबल किस नाम का बनाना है जी पी टी का तो पी टी को किस वैल्यू को असाइन करे पॉइंट्स टू ट्राइंगल वन ऑब्जेक्ट कहता है कि ये ट्राइंगल वन ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है तो इसके साथ हम फिर इम्पर्सन का साइन डाल देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं ट्राइंगल वन लिख के इसको क्या करते हैं सेमी कॉलम से एंड कर देते हैं मैं इधर गैप डाल देता हूँ ताकि आपको कोड मजीद क्लियर नजर आए कि यहाँ पे क्या हुआ है उसके बाद उसने कहा है इन द वैल्यू ऑफ बेस एंड हाइट तो यहाँ पे हम सिंपली यूज़र से सीन करवा लेते हैं वैल्यू ऑफ बेस और हाइट की तो उसने हमें बोला गेट इनपुट वैल्यू ऑफ बेस हाइट ऑफ ट्राइंगल वन यूजिंग पी पॉइंटर तो हमने सबसे पहले क्या काम करना है जी इधर ट्राइंगल की जो बेस और हाइट की वैल्यूज़ हैं उनको पॉइंटर uh, वेरिएबल को अक्सर यूज़ करते हुए बनाना है तो यहाँ पे अगर उसने हमारे पास इनपुट वैल्यूज़ हमें कहा है कि पॉइंटर वेरिएबल के ज़रिए आपने इनपुट करवानी है तो डेफ़िनेटली जब हम पॉइंटर वेरिएबल हमने ऊपर उसको डिक्लेयर कर दिया दोबारा उसके पीछे स्टार लगाने की जरूरत नहीं है तो आपको यही मैंने बोला था कि जब भी पॉइंटर वेरिएबल कोई वैल्यू एक्सेस करेगा अब देखो ये वैल्यू कहाँ से एक्सेस करेगा स्टोर करेगा बेस और राइट क्लास की कि किसी चीज़ को एक्सेस कर रहे जब कभी भी पॉइंटर वेरिएबल क्लास के साथ डील करेगा तो वो क्या करेगा सी इन करवाएंगे जो मर्जी करवाएंगे सी आउट करवाएंगे हमें पॉइंटर वेरिएबल के साथ माइनस का साइन और ये जो हमारे पास ग्रेटर देन वाला साइन होता है ये लगाना पड़ेगा और फिर आगे अभी हम क्या सबसे पहले सीन कर रहे हैं उसने हमें बोला है जी बेस आप सीन कर लो इसी तरह हाइट भी अगर हमने करानी है एक ही लाइन में मैं कर रहा हूँ आप अलग अलग लाइन में कर सकते हो तो यहाँ पे हमने सिंपली पी टी लिखने आगे माइनस का साइन डालना है और यहाँ पे ग्रेटर देन का ऑपरेटर यूज़ करना है और उसके बाद हमने अपनी एच ई आई जी एच टी वो वाला वेरिएबल लिखना है जिसमें हम एक्सेस करवा रहे हैं यही कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको पीछे भी समझाया जिसको उस वक्त भी समझ नहीं आया था वो ये चीज़ जैन नशीन कर ले जब भी हम ये क्लास के किसी वेरिएबल को सीन या सी आउट कराएंगे यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल देन वी हैव टू पुट द नेम ऑफ पॉइंटर वेरिएबल वेरिएबल माइनस एंड ग्रेटर देन ऑपरेटर द डिजायर्ड आउटपुट तो उटपुट पे हम पॉइंटर वेरिएबल को सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद वो वेरिएबल जिसमें सी इन हो रहा है या सी आउट हो रहा है अब वो कहते हैं कि कॉल द फंक्शन टू कंप्यूट एरिया यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल अब यहाँ पे उसने हमें फंक्शन भी कहा है कि आपने पॉइंटर वेरिएबल के ज़रिए एक्सेस कराना है फ़ंक्शन कौन सा है उसने हमें कहा कैलकुलेट एरिया अभी हम ऊपर जाते हैं तो ये कैलकुलेट एरिया एक क्लास का फंक्शन है ये हमारे पास ये पूरी क्लास है ये इसका फंक्शन एक्सेस अगर पॉइंटर वेरिएबल कराएगा तो पॉइंटर वेरिएबल एक ही सूरत में करा सकता है जब हम यहाँ पे पी टी लिखें डेफिनेटली उसका नाम हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल का पी टी है और हम उसके आगे माइनस डाल के ग्रेटर देन को ऑपरेटर लिखेंगे फिर हमें फंक्शन कॉल करना पड़ेगा अदरवाइज हमारे पास जो फंक्शन है वो कॉल नहीं होगा यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट अंडर स्कोर एरिया का फंक्शन जो है हमारे पास और आगे इसके हम इसकी ब्रैकेट्स लगाएंगे और सिमी कॉलन से एंड करेंगे जब हमने रिटर्न करना है तो डेफिनेटली सी आउट एरिया करेंगे क्योंकि ये इस वेरिएबल में ये सारा काम किधर आगे स्टोर हो जाएगा इस एरिया के वेरिएबल में तो हम इसको प्रिंट कर देंगे हम अपने कोड को टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो क्या है तो अभी हमारा कंपाइलर इसकी कंपाइलेशन को कर रहा है और देख लेते हैं फिर बस आप लोगों ने यही बात रखनी है हमारा जो एक टेस्ट केस है वो यहाँ पे कहीं फेल हो गया है जिसमें हमारा दोनों आउटपुट ठीक है बस यहाँ पे कोई केस का डिफरेंस है जो कि इनके मुताबिक नहीं है वो आई थिंक सो यहाँ पर उसने हमें जो डिवाइडेड बाई टू ही उसने हमें बोला था बेस इन टू हाइट डिवाइड बाई टू और यहाँ पर जो उनका टेस्ट केस है उसको हम मैच कर लेंगे और अदरवाइज़ हमारा आउटपुट बिल्कुल सही है इसमें असल में यहाँ पे केसेस को मैच करना पड़ता है जिस तरह उन्होंने बोला है तो एक बार अपने प्रोग्राम को दोबारा देख लेते हैं कि हमने कोई चीज़ अपने पास से कर दी है किया ये प्रोग्राम हमने सही है इस प्रोग्राम में कोई नहीं है कि आपने रटा लगाना है कि हमने इनकी त्राई करना है आप अपनी मर्ज़ी से करें सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए यहाँ पर हमने कैलकुलेट एरिया फंक्शन दे दिया एरिया के अंदर बेस बेसाइड कर दिया और ट्राइंगल किया हमने यही काम तकरीबन करना था तो अभी इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे हमने क्या काम किया है जी कैलकुलेट एरिया और सिंपली यहाँ पे यही है कि हमने यहाँ पे सिम फिर इसको 0.5 कर देना है और बाकी कुछ भी नहीं है ठीक है प्रोग्राम आपका आप इसको चलाएं तो वन डिवाइडेड बाय टू की जगह हमने उसको अगर ब्रैकेट से बाहर अंदर लिखना है तो फिर इसको 0.5 लिख देंगे तो ये हमारा टेस्ट केस थ्री भी हमारे पास यहाँ पे क्रिएट आ गया असल में हमारी वैल्यू जो है इधर हमारे पास डेसिमल में आ रही थी और हमारे पास उस तरह डेसिमल में नहीं आती तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया यहाँ पे इसको डिवाइड डेसिमल से किया ताकि ये कन्वर्जन हो जाए क्योंकि ये यहाँ पे मसला हो रहा था हमारे पास तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा सारा डाउट जो भी है आपका तो अभी हम अगले लेसन पे चलते हैं फिलहाल अगला चैप्टर जो है टॉपिक है इस ऊपर एडवांस चैप्टर का जो अगला सब टॉपिक है वर्चुअल फंक्शंस तो हम इसको बाद में पढ़ेंगे फिलहाल के लिए इतना ही लॉफ स्टे केयर